मणिपुर जल रहा है, ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार जलते मणिपुर की आग बुझा पा रही है। आग बुझाने के लिए लगता है पानी की कमी पड़ गई, तभी स्टीम नहीं बन पा रही और डबल इंजन की मणिपुर की सरकार ठप्प पड़ गई। आम जन तो छोड़िए, मोदी सरकार के मंत्री जिन पर एक नहीं दो दो मंत्रालय के राज्य मंत्री का पदभार है, उनका मणिपुर की राजधानी इम्फाल में घर चला दिया गया। इस बीच विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी जी मौन हैं, वो अमेरिका यात्रा पर तो जा सकते हैं लेकिन उन्हें 42 दिन से जलते मणिपुर जाने में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। जिन केंद्रीय मंत्री जी का घर जला, उनका नाम है राजकुमार रंजन सिंह, जो मोदी सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री के साथ साथ विदेश राज्य मंत्री भी हैं। 15 जून की रात 10 बजे लगभग 1000 लोगों की भीड़ ने, जिस वक्त वो घर में नहीं थी उस वक्त उनके घर में आग लगा दी गई। उस समय उनका परिवार घर में नहीं था। कुकी और मैतई समुदाय के बीच भड़की हिंसा के बीच मणिपुर के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि 42 दिन से हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। और 15 जून की रात को तो इतने रसूखदार सांसद मंत्री जी का घर जला दिया गया। खुद मोदी सरकार के मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है। यही नहीं, वो कह रहे हैं कि ये सब तो मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी बता दिया है। मणिपुर किस तरह जल रहा है इसकी झलक इन तस्वीरों में देखिए। ये कोई फॉरेस्ट फायर नहीं है, मणिपुर में भड़की सामुदायिक हिंसा है। 15 जून को ही मणिपुर में BJP सरकार की इंडस्ट्री मिनिस्टर जिनका नाम है नेमचा किपगेन, उनका इम्फाल के जो इम्फाल वेस्ट है उसके लामफेन इलाके में मौजूद सरकारी आवास जला दिया गया। नेमचा किपगेन मणिपुर के कुकी बहुल समुदाय से आती हैं और जो कांगपोक की इलाका है वो उनका संसदीय विधायकी क्षेत्र है। वो वीरेन सिंह की 12 सदस्यीय कैबिनेट में इकलौती महिला मंत्री हैं। यही नहीं, मणिपुर में हिंसक वारदातों में एक ही दिन में 9 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए, 5 अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। हिंसा की ये वारदात मणिपुर के कांगपोकी इलाके के आइगेजंग गांव के एक चर्च में हुई। बताया जा रहा है कि एक समुदाय के लोगों पर हमला करने जब दूसरा समुदाय का एक गुट आया तो लोगों ने कई बार उन पर हुए हमलों का शक करते हुए उन पर जवाबी हमला कर दिया और इसी हमले में ये लोग मारे गए। विपक्षी दल कांग्रेस का आरोप है कि जब मणिपुर जल रहा है उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन हैं। जलते मणिपुर के बीच वो 21 जून से 24 जून तक अमेरिका की यात्रा तो कर सकते हैं लेकिन 42 दिन बीत जाने के बाद भी मणिपुर की चर्चा भी नहीं करते। वो एक के बाद एक इलेक्शन रैली करते हैं, उद्घाटन करते हैं लेकिन एक बार भी मणिपुर का नाम नहीं लेते। खुद गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में हिंसा भड़कने के लगभग एक महीने के बाद मणिपुर पहुंचे थे और अभी उन्हें गए हुए 15 दिन भी नहीं हुए हैं लेकिन हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। अब तक 100 से ज़्यादा लोग मणिपुर हिंसा में मारे जा चुके हैं और न जाने कितने घायल हुए हैं। हिंसा का आलम यह है कि एम्बुलेंस में इलाज के लिए जा रही एक मासूम बच्ची और उसकी माँ को भी नहीं बख्शा गया। 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। नेशनल हाईवे ब्लॉक है, मणिपुर में भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए हैं। BJP पर आरोप लगा है 2017 में मणिपुर चुनाव जीतने के लिए उन्होंने मिलिटेंट्स ग्रुप से हाथ मिलाया, पैसे भी दिए। आरोप सीधे सीधे असम के CM हेमंत बिश्व शर्मा और राम माधव RSS के राम माधव पर लगे हैं। इन आरोपों को एक कुकी आउटफिट यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट की लीडर SS हाउकिप ने लिखे 2019 के उस लेटर के आधार पर लगाया है जिसे बतौर एनेक्शर 8 जून 2023 को एक ANI कोर्ट में एफिडेविट के तौर पर जमा कराया गया है। UKLF भी कई अन कुकी आउटफिट में से एक है जिसने केंद्र और राज्य सरकार के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था। ये एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट था। SS हाउकिप जो हैं उन पर पूर्व सांसद MLA यामथोंग हाउकिप से अवैध हथियार खरीदने का आरोप है। यामथोंग हाउकिप को 24 अगस्त 2018 को चोरी किए हुए हथियार उग्रवादी संगठनों को बांटने का आरोप लगाया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। मणिपुर म्यांमार इलाके से मीडिया की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 जून को म्यांमार आर्मी और पीपल्स डिफेंस फोर्स जो कि म्यांमार की है और कुकी नेशनल आर्मी के बीच भी फायर फाइटिंग हुई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मणिपुर सरकार ने हाल ही में कुकी नेशनल आर्मी और जोमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी से ट्राइपार्टाइट जो समझौता था, सू एग्रीमेंट था, उसको विड्रॉ कर लिया था। ये नई ताज़ा खबर है। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं?
मणिपुर के खराब हालातों के बीच में आर्मी और असम राइफल्स की 147 कॉलम जिसमें 8,820 जवान शामिल हैं, उन्हें 3 मई की शाम 6 बजे से ही तैनात कर दिया गया। उसके अलावा मणिपुर में केंद्रीय बल भी तैनात हैं। अब तक 36,000 सिविलियंस को माइनॉरिटी पॉकेट से और जो वायलेंट वाले इलाके हैं, हिंसाग्रस्त इलाके हैं, उनसे रेस्क्यू कराया गया है। ऑपरेशन सहायता के अंतर्गत 21,000 लोगों को सेना ने जो अपने संचालित बेसिस हैं उनमें रखा है। इन कैंपों में मैथी और कुकी दोनों समुदाय के ही लोग हैं। आर्मी ने 18 हेल्पलाइन वाली एक विशेष डिस्ट्रेस मैनेजमेंट सेल बनाई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आर्मी की तरफ से बहुत ही कम बल प्रयोग किया जा रहा है, जिससे दोनों समुदायों के बीच में सद्भावना बनी रहे। मणिपुर हिंसा हालात पर बात करने के लिए मेरे साथ आज कुकी समुदाय से दो बुद्धिजीवी जुड़ रहे हैं। एक हैं डॉक्टर ग्रेस मुइते वाल्ते, जो इग्नू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और दूसरे सज्जन हैं सोशल एक्टिविस्ट और दिल्ली NCR में कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्सपर्सन एडवोकेट टिमोथी चोंगतू। सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं चोंगतू साहब, तो अभी क्या हालात हैं मणिपुर के, खास करके जब हम जानते हैं कि दो दो मंत्रियों के, एक केंद्रीय राजमंत्री का और एक मणिपुर सरकार के मंत्री का घर जला दिया गया। टिमोथी साहब देखिए सर, मैं तो कहूंगा कि जो मिनिस्टर्स हैं या MLAs हैं फ्रॉम द वैली, ये बहुत देर बाद ये जागे हैं। ये शुरू में इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि कुछ मेरी मॉब शामिल थी इन चीज़ों में, बट जब MP साहब के घर जब चलाए गए या इनके घर जब चले, तब यहाँ पर एक्सेप्टेंस आया कि स्टेट का रूल एंड ऑर्डर पे कोई कंट्रोल नहीं है और स्टेट इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। ये अगर ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेंस ये शुरू में ही हो जाती तो आई थिंक सेंटर या स्टेट दोनों कुछ कंट्रोल कर सकता था। अब गृह मंत्री अमित शाह खुद गए 4 दिन के दौरा करके आए, आप जानते हैं अभी 15 दिन होने वाले हैं उनके दौरे को, पर हिंसा जो है रुक क्यों नहीं रही है? गृह मंत्री तो इतने स्ट्रॉन्ग मैन हैं और कहते हैं आयरन मैन हैं, अमित शाह जी तो बहुत मजबूत इंसान हैं, तो इतना मजबूत गृह मंत्री होने के बावजूद भी मणिपुर में हिंसा क्यों नहीं रुक पा रही है? ये काफ़ी चकित दृश्य है कि जब एक छोटा सा स्टेट जो मणिपुर है, अगर उसमें महीने के ऊपर वायलेंस हो रहा है, आप पूरे 4 हफ्ते बाद इम्फाल जा रहे हैं या मणिपुर विजिट कर रहे हैं, और सर के विजिट करने के बावजूद वहां पर अगर हमले होते हैं, विच मीन्स या तो अमित शाह जी के जो ऑर्डर्स दिए गए हैं पीस अपील वो फॉलो नहीं किया जा रहा दूसरी कम्युनिटी के साइड से, क्योंकि यहाँ तो कुकी कम्युनिटी ने पूरे तरीके से सर का वेलकम किया और सर ने जो 15 days नो वायलेंस बोला उसको ऑब्जर्व किया, बट फिर भी कुकी विलेजेस में अगर अटैक होते हैं हर दिन, तो ये तो उनके ऑर्डर्स को ना पालन करने के बराबर है। ही बीइंग एन आयरन मैन एन आयरन फिस्ट, अगर वो थोड़े स्ट्रिक्ट तरीके से स्टेट को कंट्रोल कर पाते, स्टेट मशीनरी को अगर ऑर्डर पे ला पाते, तो इतने दिनों तक ये जो किलिंग्स है या बर्निंग है ये आई थिंक होता नहीं। तो आपसे पूछता हूँ डॉक्टर ग्रेस गोइती जी, क्या आपको लगता है जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है, ये दोनों मिलकर उचित कदम उठा रहे हैं, पर्याप्त कदम उठा रहे हैं हिंसा रोकने के लिए, या कहीं कोई कमी कमोबेशी है? मेरा मानना है कि जो मणिपुर के जो राज्य के मुख्यमंत्री है, यहाँ पे जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो पूरा असफल हो गया है। उन्होंने कोशिश भी नहीं किया इसका समाधान लाने के लिए, कुछ सोल्यूशन लाने के लिए, पूरा कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसका फेलियर है। 40 से ज्यादा दिन हो गया है, हमारे केंद्र सरकार, हमारा जो गृह मंत्री है वो आए, उन्होंने बोला कि 15 दिन शांत रखो, हमने रखा हमारी तरफ से कुकी चीन लोगों ने, लेकिन हमारे ऊपर हमला होता जा रहा है। इसका ये मतलब है कि जो हमारे राज्य है, जो मणिपुर राज्य है, जो मुख्यमंत्री वो नहीं कर पा रहा है, इट्स अ कंप्लीट जो टोटल लॉ एंड ऑर्डर फेलियर सर। बिल्कुल, जो केंद्रीय राज्य मंत्री है जिनका घर जला दिया गया, डॉक्टर RK सिंह जी, वो भी ये कहते हैं कि मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर का पूरा फेल्योर है। पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ डॉक्टर ग्रेस, कि
ये हल क्या है, ये मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में हिंसा ना हो, सद्भाव ना हो, सद्भाव हो, इसका कोई हल तो होगा, कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो होगा? सर, परमानेंट सॉल्यूशन है हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दो, क्योंकि अब तो हम ऑलरेडी, आप लोगों ने हमें, हमारे गांवों, हमारे जो घर है, हमारे जो जहाँ पे हम इम्फाल में रहते थे वहां पे स्कूल में थे, कॉलेज में थे, ऑफिस में काम कर रहे थे, वहां से हमको भगा दिया, तो आपने हमें फिजिकली भगा दिया, तो द ओनली सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन इज सर, परमानेंट, ये परमानेंट सॉल्यूशन इज सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज द ओनली सिचुएशन नाउ। तो क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिल पा रहा है? आपको क्या लगता है कि मैतेई को ज़्यादा फेवर किया जा रहा है? क्या आप बहुत एलिनेटेड फील कर रहे हैं? क्या ये एक चीफ मिनिस्टर जो है वो मैतेई समुदाय से हैं, आपको लगता है ये एक वजह है? सर देखिए, हमारा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का मांग है इसलिए क्योंकि ये हमें हमला कर रहे हैं, बिकॉज वी आर कुकी, फ्रॉम कुकीज ऑफ ट्राइबल ग्रुप, ये हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, हमें अटैक कर रहे हैं, हमारा सफाई हो रहा है और हमें भगा रहे हैं। इफ यू आर कुकीज ऑफ, यू आर अटैक टू किल। सो सर नाउ, अब हम, वी डोंट फील सेफ, हमें ये नहीं लगता कि हम कभी इम्फाल वैली में नहीं जा पाएंगे, इसलिए अगर आप लोग हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दो, देन यू लेट अस लीव पीसफुली, हमने आपको कभी, वी हैव नेवर अटैक्ड यू, लेट अस लिव इन पीस, लेट अस हैव सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। राइट, तो अब जैसे प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो मौन रखे हुए हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है, मणिपुर नहीं गए, 42 दिन हो गए हिंसा हुए शुरू हुए, विदेश यात्रा पे जाने वाले हैं, अमेरिका की स्टेट विजिट पे जाने वाले हैं प्रधानमंत्री जी, क्या आपको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी जी मणिपुर आते हैं तो क्या हिंसा रुक सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है? अगर उनको मणिपुर जाना चाहिए तो क्या, कब जाना चाहिए मणिपुर, अपनी US विजिट के पहले जाना चाहिए या US विजिट के बाद जाना चाहिए? सर देखिए, जब हमारे गृह मंत्री आए थे, ही इज पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो केंद्र सरकार से आए हैं, तो जो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के फ्रॉम द साइड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ही केम, सो केंद्र सरकार, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, द ओनली थिंग इज, जब केंद्र सरकार बोल रहे हैं कि शांति बनाए रखो, अब जो राज्य के मुख्यमंत्री है, अपने जो स्टेट फोर्सेस है, जो अपने पुलिस बल है, उनको उनके साथ है, हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं, तो सर वायलेंस तो कंटिन्यू होगा ना, जितना भी हमारे केंद्र मंत्री बोले, अगर आपके जो पुलिस बल है, आप उनके ऊपर ये नहीं बोल पा रहे हो कि शांति बनाए रखो, या ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, तो वो स्टेप नहीं ले रहा है, कदम नहीं उठा रहा है, तो सर राइट। तो टिमोथी साहब, आप बताएं मुझे कि अब जैसे आरोप लग रहे हैं कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए, 2017 में वो लेटर भी अब सबके सामने आ रहा है कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से मदद ली गई, बीजेपी ने मदद ली, असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा जी और राम माधव पे आरोप लगे हैं, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा, तो आप क्या लगता है आपको कि ये आरोप जो हैं वो सही हैं या कोई इसके पीछे कोई राजनीति है? देखिए, ये जो आरोप लगे हैं, पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल वे में जो भी, जैसे आप जानते हैं कि बीजेपी की जो सरकार है 2014 में आई थी, और उसी प्रकार जब सेंटर में बीजेपी सरकार आई तो धीरे धीरे हर स्टेट में बीजेपी की सरकार आने लगी, तो उसी तरह ये एक विजन रहता है, मैं कहूंगा एक थॉट प्रोसेस सभी के माइंड पे रहता है, बाकी के स्टेट का मैं कह नहीं सकता, बट मणिपुर स्टेट का मैं कहूंगा कि बीजेपी सरकार का आना स्टेट में इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि वो सेंटर पे रूलिंग थी। आप देखेंगे जो 2015 का जो वोटिंग, वोट बेस है, इसमें बीजेपी के ज्यादा एमएलए नहीं थे, लेकिन वहां पर जंपिंग हुई फ्रॉम कांग्रेस या बाकी पार्टीज थी, उन्होंने अपनी पार्टीज बदली, तो
तो आप देखेंगे जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है अब हाउ दे आर सक्सेसफुल इन गेटिंग कैंडिडेट्स, ये तो उन्हीं का गेम है, ये वो ही जाने, तो मैं इन पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो बीजेपी के जिस तरह फॉर्म आते हैं स्टेट में, तो बहुत सारे एलिगेशन है बाकी स्टेट में, आपके केरला में हो गया, आपके कर्नाटका में हो गया, तो जैसे कि बीजेपी फुल कंट्रोल पे नहीं थी बट कैसे भी करके वो फुल मेजोरिटी में आ गई। तो ये जो एलिगेशन 2017 में जो लगाए हैं कि पैसे दे के इन्होंने अंडरग्राउंड का यूज किया है, या ये सारे एलिगेशन जो है कितना सच है ग्राउंड लेवल पे एज अ नॉर्मल पर्सन मैं तो बता नहीं पाऊंगा, बट ये है कि बीजेपी ने अपना सारा मीन्स जो कर सके शायद वो यूज किया, तभी वो सत्ता में आए हैं। जी, तो अब आप इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र देखते हैं, कोई विदेशी षड्यंत्र देखते हैं, क्या लगता है जो हिंसा हो रही है 42 दिन, क्योंकि जान तो जान है, इंसानी जान की कीमत होती है, हर आदमी चाहे वो मैथी हो, कुकी हो, किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, और एक के बाद एक जाने जा रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, घर जला रहे हैं, 50,000 लोग बेघर हो गए, तो क्या कोई आपको विदेशी षड्यंत्र नजर आता है, साजिश नजर आती है? देखिए, इसमें विदेशी षड्यंत्र या विदेशी मुल्क का इस पूरे टेरर जो भी हुआ है इसमें आना तो मैं संभव नहीं मानूंगा, लेकिन ये जो पॉलिसीज 2015 में जैसे बीजेपी सरकार आई, बीरेन की सरकार आई, बीरेन चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट हुए, तो इन्होंने जो पॉलिसीज शुरू में आप देखेंगे 2017 में इन्होंने 3 बिल पास किए थे मणिपुर में, जो मणिपुर पीपल्स बिल है और ऊपर से मणिपुर लैंड रेवेन्यू एक्ट है, तो ऐसे ऐसे बिल्स लाए थे जिसमें मणिपुरी डिफिनेशन किया उन्होंने, तो इसमें कई चीजें पॉलिसीज ऐसी थी जिसमें ट्राइबल्स की लैंड राइट्स को वायलेट किया, तभी ये प्रोटेस्ट हुआ, उसमें भी ये 3 बिल्स प्रेसिडेंट के पास गया और प्रेसिडेंट से ये असेंट नहीं मिला, ये वॉइड हो गया। तो इसी तरह आप देखेंगे कि कैसे बिल्स पे या किसी पॉलिसीज पे आप देखेंगे प्रोटेक्शन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के नाम पे या रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पे, मतलब ट्राइबल्स की जमीनों को किसी भी तरह चाहे वो लीगली हो या इलीगली हो उनकी जमीनों को उनकी जमीन से अलग करने की साजिश हमेशा रची गई है। तो ये जो इनकी पॉलिसीज थी इसी की वजह से ये जो मैतेई और ट्राइबल्स का जो डिवीजन हुआ है, आई थिंक बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज ओनली। यहाँ पर बाहर का कंट्री का किसी का इन्वॉल्व होना तो बहुत रेयर मानूंगा, क्योंकि ऐसी ना चीजें खबर आई है ना ऐसा चीजें कुछ ऐसा कोई प्रोग्राम स्टेट में हुआ है, बट ओनली बिकॉज इनकी पॉलिसीज जो खराब हुई है तो इसके विरुद्ध ट्राइबल कम्युनिटी ने काफी विरोध किया है जब से इनकी सरकार आई है। पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो हाईकोर्ट पे ठीकरा फोड़ दिया था हिंसा का, आपने जानते ही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे सीधे कहा कि वो जिम्मेदार मानते हैं हाईकोर्ट के उस फैसले को जिसमें मैतेई को ट्राइबल्स का दर्जा देने के लिए अधिसूचना जारी करने के लिए कहा गया था केंद्र सरकार को भेजने के लिए। हाँ जी, तो मैं कहूंगा ये जो ये हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था एक ट्रिगर पॉइंट था, क्योंकि ऑलरेडी इनों का आप देखेंगे कि जो पॉलिसीज सिंस 1949 पे मणिपुर यूनियन टेरिटरी मर्जर एग्रीमेंट साइन हुआ, यूनियन टेरिटरी था, 1972 में इनको स्टेटहुड मिला, तो इन दौरान आप 1949 से अभी तक का जो जर्नी आप देखेंगे मणिपुर स्टेट का कि वहां पर इतना डिवीजन हो रखा है, चाहे आपका पॉलिटिकली हो, चाहे आपका मेडिकली हो, चाहे आपका इंस्टीट्यूशनल वे में हो, हिल्स को कभी डेवलप करने की कोशिश नहीं की गई। जैसे आपका आर्टिकल 371C है जो प्रोविजन देता है हिल एरिया कमेटी होगी जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हिल एरिया करेगा, तो उस हिल एरिया कमेटी में भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसको अभी तक इसको भी फॉलो नहीं किया गया। तो कई सारी चीजें हैं जो बाईपास होती जा रही हैं और होती गई हैं जिससे कि हम अपने आप को हिल एरिया अपने आप को डिलिनेट करता है, मतलब अपने आप को उस अथॉरिटी, मतलब एक इनका एक मैथी इंटेलेक्चुअल का था वी आर नॉट एट पार, तो वो कहते थे वी आर नॉट एट पार, बल्कि हम कहेंगे कि वी आर नॉट एट पार बिकॉज पॉलिटिकली दे आर स्ट्रॉन्ग, एडमिनिस्ट्रेटिव दे आर स्ट्रॉन्ग। आप देखेंगे रिजर्वेशन पॉलिसी भी 70/30 का रेशियो जाता है, 70 में ओबीसी जनरल ये सारे आते हैं जो ऑलरेडी मैथी कम्युनिटी से है, एसटी कम्युनिटी आते हैं 30% पे नागर कुकी, इन दोनों की समुदाय एसटी रिजर्वेशन में आती है। अब 30% में भी अगर आप कहते हैं कि नहीं आपके सारे ऑफिसर्स आपके कुकी कम्युनिटी के हैं और इसलिए हमें ट्राइबल स्टेटस चाहिए, तो आई थिंक दैट इज द रॉन्ग नरेशन जो मीडिया में ये चला रहे हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग नरेशन। ये सारी पॉलिसीज है लैंड को कैसे अपने कैप्चर में किया जाए या लैंड को
कैसे अपने कंट्रोल में किया जाए। उससे बात करने के लिए टिमोथी चोंगथू साहब और डॉक्टर ग्रेस गुइते जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम जल्द जुड़ेंगे और इस बारे में अपडेट भी देते रहेंगे और नए नए डेवलपमेंट पर बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मणिपुर की हिंसा के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी मणिपुर यात्रा के दौरान हाईकोर्ट के मैतेई समुदाय को दिए जाने वाले आदिवासी दर्जे को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन 42 दिन के बाद हिंसा नहीं रुकी है तो कौन जिम्मेदार है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कर लीजिए, आगे भी आपको न्यूज़ व्यूज़ अपडेट्स और एनालिसिस जो हैं वो मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।